तो चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं बायोलॉजी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं और उनके आंसर्स। तो हम लोग अभी तक 1000 के करीब क्वेश्चंस देख चुके हैं। अब बात करते हैं 1001 से आगे क्वेश्चंस। आप लोगों को बता दें, अभी तक जितना भी हम लोगों ने बायोलॉजी से संबंधित ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे हैं, ये आप लोगों को एक ही जगह मिल जाएंगे। जितने भी लेक्चर अभी तक बने हुए हैं वो जनरल साइंस के नाम से जो सूची बनी हुई है प्लेलिस्ट में, उसी में डले हुए हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसके बाहर कुछ आएगा। अगर 1100 करीब क्वेश्चंस हैं और जो 25 चैप्टर थे पीछे हमने ख़त्म किए थे, वो भी इसी लिस्ट में पड़े हुए हैं, सूची में। ठीक है, तो इन्हें देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर किसी भी परीक्षा में जाएगा। इतना काफ़ी है। ठीक, तो बात करते हैं पर्ण हरित में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है। तो याद रखना, मैग्नीशियम। ये दूसरा क्वेश्चन, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। तो याद रखना, विटामिन का। तीसरा क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। सूची में वायु विदूषक हैं और सूची दो इसमें प्रभावित अंग हैं। तो याद रखना, एस्बेस्टस, एस वेस्टोस धूल, ये उदर, सीसा, सॉरी एस्बेस्टोस ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। ठीक है, सीसा है जो, ये सीसा उदर को प्रभावित करता है। पारा रक्त धाराओं को प्रभावित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तीस याद रखना, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एस्बेस्टोस धूल फेफड़ों को, सीसा उदर, पारा रक्त धाराएं और कार्बन मोनोऑक्साइड मस्तिष्क को। ठीक, आगे बात करते हैं। चार क्वेश्चन, लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं। याद रखना, वायु प्रदूषण के। पांचवा, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र। छठवा क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है। याद रखना, नागपुर में। सातवा क्वेश्चन, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। याद रखना, आर्सेनिक। आठवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। याद रखना, सागरीय जल के समान सामान्य तापमान में वृद्धि। नौवा क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो याद रखना, उष्ण कटिबंधी वर्षा वनों में। दसवा क्वेश्चन, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी पदछाप। बी ऑप्शन है। 11वां क्वेश्चन, भारत की डीएनए अंगुली छाप केंद्र स्थित है। तो याद रखना, हैदराबाद में। ठीक है, लखनऊ में भी है, चंडीगढ़ में भी अवस्थित है। 12 क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है, सोडियम बेंजोएट। 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण करणीय है नहीं है। याद रखना, चांदी का पत्थर। क्वेश्चन नंबर है 14, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। मेमोग्राफी स्तन से संबंधित, एंजियोग्राफी रुधिर वाहिकाओं से संबंधित, एंडोस्कोपी ये मलाशय से संबंधित, अल्ट्रासोनोग्राफी ये गर्भाशय से संबंधित। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, मैमोग्राफी स्तन से संबंधित, एंजियोग्राफी रुधिर वाहिकाओं से संबंधित, एंडोस्कोपी मलाशय से संबंधित, अल्ट्रासोनोग्राफी गर्भाशय से संबंधित है। 15वां क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से क्या होता है। तो याद रखना, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और अस्थि मृदुता होता है। ठीक, 16 क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। याद रखना, आम।
आम भारत का राष्ट्रीय फल है। 17वां क्वेश्चन, स्फेग्मोमैनोमीटर एक उपकरण है जिससे क्या नापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो याद रखना रक्तदाब। वेरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा का कारणात्मक कौन सा जीव है, तो याद रखना बैक्टीरिया। एवियन इन्फ्लुएंजा का कारणात्मक कौन सा जीव है, तो याद रखना वायरस। ठीक है, उन्नीस, अत्यधिक मद्यपान से मानव शरीर के किस अंग को क्षति पहुंचती है, याद रखना यकृत, लीवर को। 20, मधुमक्खियों का प्रजनन तथा प्रबंधन कहलाता है, तो याद रखना एपिकल्चर। मधुमक्खियों के प्रजनन और प्रबंधन को एपिकल्चर कहते हैं। मछली का प्रजनन एवं प्रबंधन पिसिकल्चर कहलाता है। सिल्क के उत्पादन को सीरीकल्चर कहा जाता है। कौन सा विटामिन राइबोफ्लोविन कहलाता है, तो याद रखना विटामिन B2। 22वां क्वेश्चन, पौधों को पत्तियों का हरित वर्ण उनमें मौजूद के कारण होता है, तो याद रखना क्लोरोफिल। प्याज का खाद्य अंश है, तो याद रखना तना। मानव रक्त का pH मान होता है, तो याद रखना 7.5 से 8.0 तक। मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है, याद रखना। जब 7.4 ऑप्शन में ना दिया गया हो तो 7.4 के नजदीक जो भी हो उसे ही सही उत्तर माना जाता है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन, रक्त के धक्के बनने के लिए निम्न में से कौन सा विटामिन की आवश्यकता होती है, तो याद रखना विटामिन के की। 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक जैव उर्वरक है, तो याद रखना बर्मी कंपोस्ट। 27, 1831 में कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी, तो याद रखना रॉबर्ट ब्राउन ने। 1831 में कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने के द्वारा दिया गया। मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। स्लीडेन एवं स्वायन को कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। 28वां क्वेश्चन नंबर, खट्टे फलों में होता है, तो याद रखना साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों संतरा नींबू में होता है। लैक्टिक अम्ल के कारण दूध फटता है। सिरिका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 29वां क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ लोहे तत्व से भरपूर है, तो याद रखना सेब। 30वां क्वेश्चन, DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज की है, तो याद रखना वाटसन एवं क्रिक ने। DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज वाटसन एवं क्रिक ने के द्वारा की है। इसके लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, याद रखना 1962 है। ठीक है, 31, मानव शरीर में प्रकोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना 4। ठीक है, 32, आंत ज्वार टाइफाइड का कारण है, तो याद रखना जीवाणु। ठीक, या साल्मोनेला टाइफोसा से होता है। ठीक, 33, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है, तो याद रखना दंत वल्क एनिमल। 34, रिकेट्स किसकी कमी से होता है, तो याद रखना विटामिन डी की कमी से। 35, मानव किस प्रजाति से संबंधित है, तो याद रखना होमो से संबंधित। 36, मैग्नीफेरा फेरा इंडिका किसका वनस्पतिक नाम है, तो याद रखना आम का। संतरा का वनस्पतिक नाम है सिट्रस सेनेंसिस। 37, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी है, तो याद रखना डार्विन द्वारा। 4, फिलोसोफिक जोलॉजिक नामक पुस्तक लिखी है लेमार्क के द्वारा। कुकुरमुत्ता है एक, तो याद रखना फफूंद। ठीक,
कौन सा रोगाणु समूह परपोषी जीवों की कोशिकाओं के अंदर ही पुनरुत्पादन करता है? तो याद रखना प्रोटोजुआ। 39 का सी है। 40, सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? याद रखना पौधे। 41, गुर्दे की निस्सेंदन इकाई कौन सी है? याद रखना नेफ्रॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई है न्यूरॉन। 42, उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म। ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत होता है, तो याद रखना विटामिन बी का। 44, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, सूची एक और सूची दो। बैक्टीरियम तपेदिक, फंगस दाद, प्रोटोजुअन कालाजार, वायरस इन्फ्लुएंजा। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, ठीक है। बैक्टीरियम तपेदिक, फंगस दाद, प्रोटोजुअन कालाजार, वायरस इन्फ्लुएंजा। 45, एंजाइम क्या होते हैं? तो याद रखना स्टेरॉयड। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस की विशिष्ट ऊष्मा अधिक कम होती है। 46, डेल्टोनिज्म एक प्रकार की वर्णांधता है, उसमें रोगी का कौन सा रंग नहीं देख पाता? तो याद रखना इसमें होगा डी, उक्त सभी। हरा रंग, लाल रंग, नीला रंग। डेल्टोनिज्म एक प्रकार का वर्णांधता है, उसमें रोगी को लाल रंग और हरा रंग में अंतर नहीं होता है। कलर ब्लाइंडनेस रोग सर्वप्रथम डाल्टन में पाया गया, इसलिए रोग को डाल्टनिज्म भी कहते हैं। 47, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? अरोही आरोही जड़। गुणसूत्र किससे बनते हैं? तो याद रखना डीएनए और प्रोटीन। 49, जर्सी सांड जो संकरण में इस्तेमाल होता है किस जगह की मोहको जाती है? स्विट्जरलैंड। 50, निम्नलिखित में से कौन सांकेतिक संबंध ग्लाइकेन निर्मित करता है? एक एलगी, एक फंगस। 51, निम्नलिखित में से कौन सा फसल संयोजन भारत की मिश्रित फसल में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो याद रखना चावल और मूंगफली। 52 क्वेश्चन, धान के खेतों में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो याद रखना CH4 मैथेन। 53, पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम होता है रंध्र, ठीक। 54 क्वेश्चन अगला है, 54 बार, पशुओं का पशु महामारी रोग होता है? तो याद रखना विषाणुओं वायरस द्वारा। 55, मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है कसकुटा। 56, सबसे बड़ा श्वेत रुद्राणु है? तो याद रखना विम्बराणु थ्रोम्बोसाइट, ठीक। 57, निम्न में से कौन सा दोनों बाह्य स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है? तो याद रखना अंडाशय, ठीक है। 58, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है अपन को, ठीक है। आयोडीन इससे होता है गलकंद घेंगारू, आयरन तो सूक्ष्माणु रक्ताल्पा, नियासिन इससे होता है प्रणाली या इससे होता है फिलेजिया, विटामिन B12 से होता है फेडासी रक्ताल्पा, तो इसमें डी ऑप्शन है, ठीक है। आयोडीन से गलकंद गंध रोग घेंगा रोग, व आयरन से सूक्ष्माणु रक्ताल्पा, और नियासिन से फेलिजिया रक्ताल्पा, और विटामिन B12 फेडासी रक्ताल्पता। 59, जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो याद रखना जल का,
ठीक है, ये ऑप्शन है 59 का। 60, वनस्पति जगत के गैर गैर हरित विषमपोषी पौधे कौन से हैं? तो याद रखना फंजाई, याद रख। अगला है 61, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। 62, पुरानी और नष्ट प्रया लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? पीलिया स्प्लीन में। 63, स्वपरागण का परिणाम क्या होगा? अंता प्रजनन। बात करने वाले हैं 64 क्वेश्चन, सूची एक सूची दो। तो विटामिन बी वन, इसे थायमिन बोलते हैं। विटामिन बी टू, तो इसे बोलते हैं राइबोफ्लेविन। विटामिन बी सिक्स पाइरोडॉक्सिन। विटामिन बी ट्वेल्व साइनो कोवारलिमिन। ठीक है, विटामिन बी वन थायमिन बोलते हैं, विटामिन बी टू को राइबोफ्लेविन, विटामिन बी सिक्स पाइरिडॉक्सिन, विटामिन बी ट्वेल्व साइनोकोवालिमिन कोवालेमिन। 65, निम्नलिखित में से सही जोड़ी कौन सी है? तो याद रखना अपघटक बैक्टीरिया। सही। 66, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रम में सजाइए? तो याद रखिए इसमें बी ऑप्शन सही होगा, जड़, फिर आएगा तना, फिर आएगा पत्ती, फिर आएगा फूल और फिर आएगा फल। ठीक है, जल, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। 67 क्वेश्चन नंबर, जैविक वस्तुओं का संगठन की सर्वाधिक उच्च स्तर को क्या कहते हैं? तो याद रखना जैव मंडल। 68, इनमें से किस फसल को प्रति हेक्टर अधिकतम जल की मात्रा की आवश्यकता होती है? गन्ना। 69, प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। 70, सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी कौन सा है? तो याद रखना ब्लू व्हेल। 71, वह पारिस्थितिकी जिसमें रक्त से ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है को कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, 72 क्वेश्चन, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो याद रखना क्रीमी बॉर्म। 73, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना रेटिनॉल, बी ऑप्शन सही है। 74, मानवमूत्र है? तो याद रखना क्षारक। 75, विकासोन्मुखी संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो याद रखना ऑक्सिन। 76, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? तो याद रखना स्तन ग्रंथियों से। 77, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? याद रखिए लाइकेन। 78, निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? गुर्दे, किडनी। 79, सौ पोषित थैलोफाइटो वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? शैवाल। 80, टेबल शर्करा किस प्रकार का शर्करा है? तो याद रखें ग्लूकोज। 81, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो याद रखना मैग्नीशियम। 61, सूची को दो को सम्मिलित करना है 82 क्वेश्चन का, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। ठीक, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। वैसे एनोफिलीज मादा, ये मलेरिया होता है इससे। क्यूलेक्स फाइलेरियासिस होता है इससे। रेत मक्खी काला जार होता है। सीसी मक्खी नींद की बीमारी होती है इससे। ठीक है, 83, बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? याद रखिए जरा विज्ञान। ठीक, हड्डियों के अध्ययन को अस्थि विज्ञान कहते हैं। 84, एक व्यक्ति की भूरी आंखें नीली आंखें या काली आंखें इनमें से किसकी विशेष रंजक की मौजूदगी के कारण होती है? याद रखना आयरिस।
सी ऑप्शन सही है। 85 एबी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक कहा जाता है, उसके रक्त में एंटीबॉडीज का अभाव रहता है। ठीक है। 86 मानव शरीर में मौजूद सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो याद रखना यकृत। 87 मानव त्वचा बिना छाले पड़े अधिकतम कितना तापमान सह सकती है, 40 डिग्री सेल्सियस। 88 एक चींटी इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण चारों ओर की वस्तुओं देख सकती है, तो याद रखे संयुक्त नेत्र, डी ऑप्शन सही है। एक चींटी में संयुक्त नेत्र पाया जाता है जिसके कारण वह चारों ओर की वस्तुएं देख सकती है। 89 माना मादा एनोफिलीज मच्छर के संग रोग का वाहक है, तो याद रखिए मलेरिया का। 90 क्वेश्चन नंबर, एक सुरा सार्क के साथ संलग्न एक चूसक मत्स्य में दिखाई देने वाला प्राणी सहचर है, तो याद रखना सहभोजिता। 91 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है, तो याद रखना राइजोबियम। 92 क्वेश्चन, अमीबा अपना आहार किस प्रक्रिया से ग्रहण करता है, तो याद रखना जीव द्रव्य कुचन। 93 सूची एक को फसल दिए हैं और ये रोग हैं, तो धान, धान में होता है विध्वंस, गेहूं किट, सरसों मिदुरोमिल आसित और गन्ना लाल विगलन। धान में विध्वंस, गेहूं किट, सरसों मिदुरोमिल आसित, गन्ना ईक लाल विगलन। 94 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक पारिस्थितिक तंत्र है, याद रखिए महासागर, स्थिर पारितंत्र है महासागर सबसे अधिक। 95 सही जोड़ी चुनना है, तो इसकी व्याख्या इसकी भी देख लेते हैं। कोस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन, इकोलॉजी पर्यावरण का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन, न्यूरोलॉजी में स्नायु तंतुओं का अध्ययन। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। बात करते हैं 96 क्वेश्चन, तपेदिक रोग का कारण है, तो याद रखिए जीवाणु। तपेदिक रोग टीवी जीवाणु से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। इस रोग में रोगी को खांसी के साथ साथ कफ और रक्त निकलता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, सीने में दर्द रहता है, शरीर का वजन घट जाता है और भयानक कमजोरी महसूस होती है। ठीक है। 97 क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो याद रखना ग्रीक भाषा से। सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले होता है, तो याद रखना तंत्रिका तंत्र। 98 का सी है। 99 मानव त्वचा है, तो याद रखना एक अंग। जीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, कई कोशिकाओं से मिलकर एक ऊतक का निर्माण होता है। 1100 क्वेश्चन, इंसुलिन स्रावित होता है, तो याद रखना पैंक्रियास द्वारा। 1101 क्वेश्चन, रंग अंध व्यक्ति इनमें से किस रंगों का भेद नहीं कर पाता, याद रखना लाल और हरा, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, बोलते हैं। बार दूसरा क्वेश्चन, जीन्स इनमें से बने होते हैं, याद रखना न्यूक्लियर एसिड। तीसरा क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस वस्तु श्रेणी पर खाने का व्यय सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहा है, अनाज। चौथा क्वेश्चन, भारत में HIV उन्नत बीज की किस्म किसके द्वारा प्रारंभ की गई, जवाहरलाल नेहरू। 10 क्वेश्चन, प्याज को छिलने या काटने पर आंखों में प्रभुत मात्रा में आंसू आने का कारण है, प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक के कारण प्याज को छिलने का या काटने पर आंसू से निकलने लगते हैं। प्याज में एलाइज प्रोपाइल डाइसल्फाइड नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण एक विशेष प्रकार की गंध होती है।
प्याज में SO2 गैस होता है जो जल में घुलकर H2SO4 बनाता है। प्याज काटने पर जब आंख में पड़ता है यह आंख से आंसू निकलते हैं। अगला है छठवां क्वेश्चन, आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका है? थायराइड ग्रंथि का कार्य का नियमन। साथ किस चीज की कमी से रतौंधी में फलित होती है? तो याद रखना विटामिन ए की कमी से। रतौंधी से पीड़ित व्यक्ति को रात्रि में दिखाई नहीं देता। आठवां क्वेश्चन, फित्ती जैविक औषधि फेनेसलिन प्राप्त की जाती है? याद रखना फंगस से। फेनेसलिन की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। श्वेत क्रांति नाम संबंधित है? तो याद रखना वर्गीज कुरियन से। दसवां क्वेश्चन है, दुग्ध अपने पोषण एवं गुण में अद्वितीय है फिर भी यह तुच्छ स्रोत है? तो याद रखना कैल्शियम का। ग्यारहवां क्वेश्चन, गोइटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न की कमी से होती है? याद रखना आयोडीन। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक तिलहन है? तो याद रखना राई। तो चलिए ये थे हमारे बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से संबंधित, जितने 1112 क्वेश्चन थे। ठीक, बहुत काफी है। ठीक है, इतने अगर पढ़ लो तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं बाहर क्वेश्चन जाएगा इससे। ठीक है, तो फिर से बता देते हैं ये सभी आप लोगों को, जनरल साइंस नाम से जो लिस्ट बनी हुई है सूची, उसी में पढ़े हुए। ठीक है,